फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इंडियन मॉम गैलरी। और यहाँ पे जो है नेक्स्ट डे का है, यानी कि गरबा नाइट्स जो आपने वीडियो देखा उसके अगले दिन सुबह का है वीडियो ही। और सुबह सुबह जल्दी उठ के हम सब सारे लोग जो है तैयार हो रहे हैं, क्योंकि गणेश पूजा होने वाली है इसी वजह से। और ये देखो, मैं आपको सुबह का माहौल दिखा रही हूँ, और ठंडी भी काफ़ी थी। और सब जो है रेडी हो गए हैं, नहा धो के सब ने नाश्ता और वो सब कर लिया है। ये मेरी छोटी वाली मामी है, और सब जो है अच्छे से तैयार हो के रेडी हो चुके हैं शादी में अभी। और ये भतीजी है, और सब जो बहुत बढ़िया, सब ने कपड़े और वो सब पहने थे, सब बहुत अच्छे तैयार हुए थे। ये दूल्हे की बहन है, ये देखो भारती, वो भी रेडी हो चुकी है। और यहाँ पे दूल्हा भी जो है रेडी हो रहा है, ये है दूल्हा, और वो भी जो है रेडी हो रहा है। अभी उसको साफा बांधा जाएगा और सब जो है रेडी हो रहे हैं। ये देखो छोटी छोटी हमारी जो है जिनू, ये है जो है पलक, और काफ़ी अच्छा जो है उसने पोशाक पहना था और बहुत ही सुंदर दिख रही थी। ये देखो बहुत बढ़िया लग रही है इस पोशाक में, काफ़ी अच्छी तैयार भी हुई है। लड़कियां जब तैयार होती है ना, बहुत ही सुंदर दिखती है। देखो बहुत बढ़िया लग रही थी। और यहाँ पे जो है जैनम भी, मैं सबके वीडियो ले रही थी तो वो भी बोला मम्मा मेरा भी लो, तो यहाँ पे जैनम भी ऐसे बैठ के जो है पोज दे रहा था। ये है हमारी सबसे छोटी भाभी, घूमर की क्वीन है ये, आपने देखा ही होगा गरबा नाइट्स में इनका घूमर काफ़ी बहुत ही बढ़िया घूमर करते हैं। और ये देखो जीनू, बहुत पता नहीं क्या ढूंढ रही थी पर्स में, और अभी देखो इसको खड़ा कर दिया फ़ोटो खींचने के लिए। तो बहुत ही अच्छा जो है उसने क्या पहना है, पता नहीं क्या पहना है, लेकिन काफ़ी सुंदर दिख रही है। क्रॉप टॉप है शायद, या फिर चनिया चोली है, आई थिंक चनिया चोली है, येल्लो और बेबी पिंक कलर में, बहुत बढ़िया लग रही है, बहुत सुंदर है ये जीनू। और बस अभी ये मेरा है आउटलुक, मैं अभी आपको दिखा रही हूँ। मैंने गुजराती साड़ी पहनी थी, लेकिन उनको पसंद नहीं आया था, तो फिर बाद में चेंज कर दिया था, दक्षिणी पहन ली थी। लेकिन अभी जो है मैंने ये गुजराती साड़ी पहनी है, मस्टर्ड येलो कलर में है, और काफ़ी अच्छा, वैसे तो कलर अच्छा लग रहा था, लेकिन उनको पसंद नहीं आया इस तरह की। लेकिन मेरे भाभी ने पहनाई थी बहुत बढ़िया, अच्छी तरह से। ये दीदी है, इन्होंने भी काफ़ी अच्छा कलर पहना है। ये देखो, अभी कलर का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है। और ये है भांजी माही, और सब बैठे हुए हैं अभी, राह देख रहे हैं। और यहाँ पे जो है महाराज भी आ चुके हैं, और दूल्हा का वेट हो रहा है, तो दूल्हा भी जो है आ गया है। और अभी हो रहा है गणेश पूजा स्टार्ट, और धीरे धीरे जो है बहुत सारे लोग आ जाएंगे। ये देखो पहले से तो माँ से बैठी गई है, और ये देखो बहुत सारे जो है लोग आ चुके हैं, मतलब रिलेटिव सारे आ चुके हैं। तो गणेश पूजा और वो सब होने के बाद जो है दूल्हे को बाहर लेके जाते हैं, और जो थोड़ी बहुत विधियां जो है वो यहाँ पे करवाएंगे, यानी रोड के ऊपर करवाएंगे, जहाँ पे मंडप का मेन गेट रहता है वहाँ पे करवाएंगे। तो वहीं पे लेके जा रहे हैं अभी दूल्हे को। रोड के पास जो विधि थी वो ख़त्म हो चुकी है, और उठा के लेके आ रहे हैं उसको। और दूसरी एक विधि है यहाँ पे करेंगे, और यहाँ पे जो है चाची जो रहती है उनकी, जो वो उनके साथ जो है थोड़ी जो विधि रहती है वो कर यहाँ पे करवाएंगे महाराज।
और यहाँ पे रेड मिट्टी जो आती है, हमारे यहाँ घर माटी बोलते हैं उसको, तो वो लेके आए हैं। छोटी छोटी कुंवारी का जो लड़कियाँ रहती है उनके पास से जो है लेके आते हैं और बाद में उनको पैसा देते हैं। तो ये इस तरह का एक रिवाज है यहाँ पे, जो हवन करते हैं ना इसके अंदर ये मिट्टी काम आएगी। और यहाँ पे दूल्हा और मेरा भाई बैठा हुआ है, कुछ टोल टप्पे कर रहे हैं। और यहाँ पे जो है मेरी दीदी, उनकी सास है, ये नानी है मेरी। और अभी जो है ये जो गृह शांति जो होगी, दोपहर का टाइम हो चुका है और सब दोपहर के लिए तैयार हो चुके हैं। मैंने, भाभी ने और भारती ने, हम तीनों ने जो है रेड कलर का पोशाक पहना है। और यहाँ पे भाभी मजाक कर रही थी कि मेरा जो ये आड़ है वो मेरी दिखनी चाहिए। तो इस तरह से हम दोनों मजाक मस्ती कर रहे थे यहाँ पे। तो काफ़ी अच्छी उनकी आड़ है, बहुत ही बढ़िया, देखो अच्छी है। और यहाँ पे उनका जो है मैरिज के टाइम का उनका लहंगा है ये। और ये जो है ये मैंने रेड कलर का पहना है। मुझे काफ़ी अच्छा, मतलब इतना अच्छा नहीं लगता रेड कलर, लेकिन जो है अच्छा दिख रहा था, मतलब शुभ कर रहा था ये। और अभी जो है शाम का वक्त हो चुका है और यहाँ पे जो है जयपाल नाम है उसका, जयपाल की जो है अभी हल्दी लगाई जाएगी। और ये देखो सब आ गए थे गांव के लोग और ये इसको अभी हल्दी लगाई जाएगी। और शाम के शायद 4 या 5 बजे होंगे शायद। और यहाँ पे जो है सब गृह शांति के लिए जो महाराज आ गए थे, तो वहाँ पे सब बैठे हुए हैं अभी। और ये देखो गृह शांति हो रही है और काफ़ी सारे जो है लोग आए थे, सब रिलेटिव और गांव के लोग और वो सब आए थे यहाँ पे। तो काफ़ी अच्छा माहौल दिख रहा है, देखो आप देख ही सकते हो, बहुत ही बढ़िया लग रहा है। और यहाँ पे जो है अभी ये मामेरा जो बोलते हैं उनकी तैयारी हो चुकी है, सब रेडी हो चुके हैं। सब ने थाली में जो देने वाले हैं सब, जो कपड़ा और जूते और वो सब, तो कुछ गहने भी रहते हैं, तो वो सब जो है थाली में सजा के लेके जाते हैं वहाँ पे, जहाँ पे गृह शांति हो रही है वहाँ पे लेके जाएंगे। तो अभी जो है कुछ कुछ लोगों के साफा जो बोलते हैं तो वो बांधने अभी बाकी थे,
तो वो अभी जो है हो रहा है कामकाज, साफे का जो है हो रहा है। यहाँ पे मामा और भैया और वो सब तो रेडी हो चुके हैं, दूसरे लोग जो है वो अभी रेडी नहीं हुए हैं। जैसे कि यहाँ पे साइड में हो रहे हैं मेरे पापा तैयार, तो उनका और वो रिये भैया का और वो दो तीन लोगों का बाकी था। और वैसे भी जो है उनको बड़वा भी दौड़ाना रहता है, तो टाइम काफ़ी जो है कम था, तो उसी वजह से फटाफट जो है सब कर रहे थे। ये मेरे पापा तैयार हो चुके हैं, उन्होंने साफा लगा लिया है और अभी जो है जाएंगे सब बाहर। सब लेडीज़ भी सारी तैयार हो चुकी है, सब ने पोशाक पहना है और काफ़ी अच्छे लग रहे थे सब। और ये देखो सब मेरी मम्मी और भाभी और वो सब है अभी यहाँ भी। ये फर्स्ट वाला नहीं है, सेकंड वाला मामेरा है, क्योंकि भर्ती के टाइम पे जो है पहला वाला मामेरा जो है वो कर दिया था। जो तो इस बार जो है जैसे बोलते हैं ना हल्का वाला मामेरा जो रहता है वो वाला किया था, लेकिन मामेरा तो मामेरा ही होता है, हल्का हो या भारी हो। तो बधाने के लिए जो है मेरी मौसी जो है आ गई थी और साथ में उनकी देवरानी है और वो गुड़ खिला रही है, और मेरे मामी मेरी मासी जो है वो सबको जो है तिलक लगा के सबका स्वागत कर रहे हैं यहाँ पे। और यहाँ पे देखो ये जो है ये दादा जो है वो मेरे मम्मी के सगे जो रहते हैं ना एकदम वो वाले चाचा है मेरे मौसी के, और तो सबको यहाँ पे तिलक लगाया जा रहा है। तो अभी यहाँ पे बुलाया जाएगा जयपाल को, और यहाँ पे ही जो है मामा और वो सब सबको जो है जो देना रहता है कपड़ा और वो सब वो भी देंगे, स्टार्ट करेंगे अभी यहाँ पे। और मेरी मम्मी और वो सब भी आ चुके हैं, और ये मेरे छोटे वाले मामा है, और ये सब जो है जो देना है वो देते हैं यहाँ पे। Thank you.
तो यहाँ पे मामेरा और वो सब जो है वो ख़त्म हो चुका था। और अभी जो है हो रहा है बड़वा जो बोलते हैं यज्ञों का भी जो बोलते हैं मतलब जो झमोई देते हैं और उसके बाद का जो रहता है ना फंक्शन जो उसको लास्ट टाइम चांस है तुझे शादी करनी है या नहीं करनी, तो इस तरह से भागना है और सामने से मामा आके उसको पकड़ लेंगे और बाद में फिर से यहाँ पे लेके आएंगे। तो इस तरह का एक रिवाज है और इस रिवाज में और भी कई सारे लोग जो है असली में जो है भाग गए थे शादी के मंडप से जो है भाग गए थे कि नहीं शादी करनी, इस तरह से मतलब जो है ब्रह्मचारी बन जाते हैं। इस तरह का जो है ये एक रिवाज है और यहाँ पे जो है उसी का जो है अभी ये देखो भाग रहा है जयपाल अभी ये यहाँ पे और वहाँ से जो है मामा पकड़ के लेके आएंगे फिर से यहाँ पे। तो इस तरह से जो जितने भी है उसके चाचा मौसा और जो बड़े लोग रहते हैं दादा वो मामा और वो सब जो है लेके आते हैं इस तरह से दौड़ा दौड़ा के उसको दम निकाल देंगे अभी उसका। तो ये एक रिवाज है यहाँ पे, तो बहुत मज़ा आता है ऐसा ये देखने के लिए, बहुत छोटे बच्चे को बहुत मज़ा आता है ये देखने में। और फिर जो आपको देना है जैसे कि ये अंगूठी या फिर कैश देना हो तो कैश, तो उस तरह का जो है मनाते हैं मतलब जो है भांजे को भतीजे को जो है वो मनाते हैं कि ये लो भैया और मान जाओ शादी कर लो, तो इस तरह का माहौल रहता है। हाँ लाइट पर।
ये सब खत्म होने के बाद खाना और वो सब खाने के बाद जो है फिर से जो है हम सब रेडी हो गए हैं। वरघोड़ो जो बोलते हैं, घोड़ा आएगा उसके ऊपर जयपाल को बिठाएंगे और यहाँ घर से लेके जो मंदिर उनका रहता है वहाँ तक जाएंगे और सब पीछे पीछे डांस करेंगे। तो इस तरह का वरघोड़ा जो बोला जाता है ये निकलेगा, तो उसी की तैयारी हो रही है दोस्तों। तो आज का व्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। हमारे राजपूत रिवाज आपको कैसे लगते हैं वो ज़रूर दिखाना। सबके पोशाक और सब कैसे तैयार होते हैं, क्या आपको पसंद आया ये ज़रूर बताना। तो यहाँ पे जयपाल का साफा बांधा जा रहा है और वरघोड़ो के लिए नेक्स्ट व्लॉग आपको देखना पड़ेगा कि उसमें क्या होता है और क्या नहीं। तो वो देखने के लिए नेक्स्ट व्लॉग में आप कंटिन्यू रहना, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के बाय एंड टेक केयर।